नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही काम आने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है dictation.io। इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ जो है वो यूज़फुल है। तो ये वेबसाइट इस तरह से लोड होकर आपके सामने आएगी और इस वेबसाइट का जो यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट एक्चुअली जब आप कुछ भी ऐसा टाइप करना चाहते हैं जो काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, मान लीजिए आपको टाइप करना है और आप हाथों से टाइप करना नहीं चाहते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपके लिए ये काम को ईजी कर देता है। इसमें आपको ये सुविधा मिलती है कि आप जो कुछ भी बोलोगे, आपका जो भी लैंग्वेज है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदी बोलिए, मराठी बोलिए, बंगाली बोलिए, कोई भी लोकल लैंग्वेज बोलिए या फिर इंग्लिश में बोलिए, आपकी हर चीज़ को वो सुन के ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आपको सिर्फ बोलते जाना है, जैसे कि आप एक बुक पढ़ रहे हो तो आपको उस तरह से बेफिक्र होकर बोलते जाना है और आपका जो भी है, आपका जो भी सेंटेंस है, आपने जो कुछ भी बोला उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपके सामने रख देगा। फिर आप उसको कहीं भी कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो या उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो, अपने किसी भी आर्टिकल में, किसी भी ब्लॉग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। खासकर ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, या जो भी रेगुलर ब्लॉग लिखते हैं, जो हिंदी या मराठी ब्लॉग्स लिखते हैं, या कोई भी ऐसे ब्लॉगर है जो लोकल लैंग्वेज में अपना ब्लॉग चैनल चलाते हैं या ब्लॉग वेबसाइट चलाते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है। ये काम कैसे करता है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाला बटन है लॉन्च डिक्टेशन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो देखिए आपके सामने जो है हमें ये एक ब्लैंक पेज की तरह, नोट पैड की तरह यहाँ पर दिखाई देगा, एक ब्लैंक कॉपी आपके सामने दिखाई देगी। और यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको राइट साइड में यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस लैंग्वेज में आपको बोलना है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, मैं अभी आपको हिंदी में आपको लिख के दिखाता हूँ, हिंदी में बोलूँगा और यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ लैंग्वेज ऑप्शन में जाके मुझे हिंदी फाइंड करना है। देखिए हिंदी, नेपाली, मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगला सब कुछ है यहाँ पर, मैं यहाँ से हिंदी को चूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ जो ये स्पीकर, ये माइक वाला आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो ये रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करके आपको यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ ये आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे स्टार्ट बटन है ये नोट पैड में, इसको भी क्लिक करिएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको जो है आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं बोलूँगा और ये टाइप करेगा। देखिएगा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनंदन और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ये देखिए मैंने बोला और इसने टाइप करके दे दिया। अभी मैं स्टॉप कर दिया हूँ क्योंकि मुझे बात करनी है आपको, इस वीडियो में समझाना है, इसलिए मैंने अभी स्टॉप किया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो भी बोला, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनंदन, ये देखिए इसने सारा कुछ एज इट इज़, मतलब इतना एक्यूरेट ये आपको रिकग्नाइज करता है और ये टाइप करके देता है कि इतना एक्यूरेट तो मैं गूगल ट्रांसलेट पर भी नहीं देख पाता हूँ, तो ये काफ़ी एक्यूरेट है। चलिए मैं आपको इसके आगे की लाइंस भी मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी बनाई हुई वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आ रही है और मेरी बनाई गई वीडियोस के द्वारा आपको काफ़ी जानकारी भी मिल रही है। इसी तरह के वीडियोज़ मैं फ्यूचर में और भी बनाता रहूँगा, तो इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये देखिए मैं कंटिन्यू बोलता गया, देखिए यहाँ पे हिंदी तो बिल्कुल सही लिखा है। देखिए इसी तरह के वीडियोस फ्यूचर में बनाता रहूँगा, उसे देखने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मैंने यहाँ तक बोला था, इसने यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट टाइप किया, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है इसमें। अब मैं आपको हिंदी के बजाय अब इंग्लिश में भी टाइप करके दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लैंग्वेज में जाके यहाँ पर इसको हिंदी के बजाय इंग्लिश कर लूँगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश, US वाला इंग्लिश ले लेते हैं, मेरा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिनंदन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिनंदन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखा, तो इसने इंग्लिश भी एक्यूरेट पकड़ा, इंग्लिश को भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइप करके दिखाया। थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। And if you want more update, please subscribe to my channel. देखिए इसने बिल्कुल सही ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल सही ये करता है, डिक्टेशन करता है। तो
तो ये है इस वेबसाइट का कमाल, फ्री है, कोई भी इसमें चार्जेस नहीं देना पड़ता है और छोटा सा वेबसाइट है लेकिन बहुत ही कमाल का, बहुत ही अमेजिंग है। ये आपके काफ़ी काम आ सकता है, खासकर उस टाइम में जब आप हिंदी ब्लॉगिंग या कोई भी लोकल लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करते हैं और अपने आर्टिकल के लिए आपको काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है। तो ऐसे केस में जनरली हम क्या करते हैं कि एक नोटबुक में अपना जो भी हमने सोचा रहता है उसको लिख के रेडी करते हैं, फिर उसे टाइप करने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो आप सीधा अपने नोटबुक को पकड़िए और यहाँ पर dictation.in पे आके पूरी लाइन आप पढ़ दीजिए और यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। अब आप इसको टाइप होने के बाद यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं या फिर आप इसको प्ले करके सुन भी सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली मेल हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा, यानी कि आप इसको एज अ PDF भी सेव करके रख सकते हैं। तो मैं आपको इसको टेक्स्ट फाइल में सेव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करने बोलेगा। देखिए यहाँ पर आप इसको सेव कर लीजिए, ये फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यही वाली फाइल है जो हमने सेव की है। अब इस चीज़ को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिल गया है। आप इसको कॉपी पेस्ट करिए, अपने आर्टिकल में चिपकाइए या अपने ब्लॉग में डालिए, कुछ भी करिए। अब ये आपका अपना पर्सनल टेक्स्ट हो चुका है, एडिटेबल टेक्स्ट है, इसको कैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है dictation.io, छोटी सी वेबसाइट का कमाल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो किसी के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड जय हिंद।